हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुमन नायक और आप देख रहे हैं हिंदी टेक गाइड। भी जो टाइम आ गया ज़्यादातर चीज़ स्मार्ट है, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बाइक, स्मार्ट कार। जैसे बचपन में हम लोग क्या सोचते थे, मैं सोते हुए अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं, मुझे उठ के जाना ना पड़े तो कितना अच्छा होता। एक जगह पे बैठे लाइट का कलर चेंज कर सकते, उसको ऑन ऑफ कर सकते, मैटर नहीं करता हम लोग कहाँ रहें। हम सपोज हम लोग घर पे लाइट ऑन करके ऑफिस चले गए और बाद में ऑफिस जाके आया यार लाइट ऑफ करना भूल गया, तो हम लोग ऑफिस में बैठे घर पे भी लाइट ऑफ कर सकते हैं जो स्मार्ट लाइट के जरिए। तो वही मैं आपको एक स्मार्ट लाइट कैसे होता है, कैसे काम करता है और उसको कनेक्ट कैसे करते हैं वो मैं बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक बार याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी वीडियो के नीचे दिया हुआ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों मेरा हर वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल बटन में जरूर क्लिक कर लो। दोस्तों एक स्मार्ट बल्ब है जिसमें RGB कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 मिलियन कलर ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो बहुत टाइप का 16 मिलियन कलर चेंज कर सकते हो। और इसका जो पावर है दोस्तों 7 वाट का है, ठीक है। तो चेक देख लेते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। ओके, अगर मल्टी कलर मतलब जिसमें बहुत सारा कलर चेंज होगा ऐसा स्मार्ट बल्ब चाहते हो तो ये सबसे लोएस्ट है। इसके कम में तो अभी आज के डेट में मार्केट में नहीं है। ओके, और इसका जो दोस्तों इसका जो बल्ब है इसका वेट है आप देख पा रहे हो, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। ओके, तो इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं स्मार्ट बल्ब कैसे काम करता है। इसके लिए एक ऐप चाहिए, अब गूगल प्ले स्टोर में जाओ। गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको टाइप करना पड़ेगा स्मार्ट लाइफ। सर्च करोगे तो यहाँ पे ये देखो एक जो दिखा रहा है स्मार्ट लाइफ, ठीक है, स्मार्ट लिविंग एक ऐप है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इधर से भी कर सकते हो, यहाँ से ये जो स्कैन कॉपी है ये जो QC कोड है उसको स्कैन करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ओपन कर लेता हूँ, तो जब भी आप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, तो आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक यूजर आईडी देके इसको लॉगिन करना पड़ेगा। और तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऐड बटन में क्लिक करके आप कोई भी लाइट को ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो लाइट है ना इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा ऐसा करके कनेक्ट करते टाइम, तो ये कनेक्ट होगा। ऐड बटन में यहाँ से लाइट डिवाइस, यहाँ पे देखो जो लाइट ब्लिंक हो रहा है, कन्फर्म लाइट ब्लिंकिंग। तो वाईफाई का पासवर्ड मांगेगा आपको, उसके बाद देखो कनेक्टिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। तो इसमें बैक आते हैं, इसमें देखो लाइट में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। इसमें ऑन ऑफ हम लोग यहाँ से ऑन ऑफ भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया, यहाँ से ऑन। ओके, तो अगर हम लोगों को कलर चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से मल्टी कलर भी इसमें बल्ब में ऑप्शन में, तो हम लोग मल्टी कलर कर सकते हैं। देख पा रहे हो, सपोज मैं इसमें कलर में जाता हूँ, यहाँ पे जिस कलर मुझे चाहिए तो उस कलर में मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उस हिसाब से कलर चेंज होगा। 16 मिलियन कलर है इसके अंदर, ठीक है, RGB में जो रहता है नॉर्मली। तो हम लोग यहाँ से इसका जो ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि कितना ब्राइट रहेगा, कितना मतलब कम रहेगा, डिम रहेगा, तो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पहले से यहाँ पे कुछ मूड यहाँ पे सेट किया हुआ है, आप चाहो तो अपने हिसाब से मूड रिसेट कर सकते हो, मूड सेव भी कर सकते हो। ओके, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। इसमें आप कहाँ हो वो मैटर नहीं करता, आप जितने भी दूर में रहो अगर यहाँ कनेक्टेड रहता है तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। देखो यहाँ से ब्राइट और इसमें डिम भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों और एक ऑप्शन है, आप अगर आप चाहते हो कि टाइम के हिसाब से बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए ऑफ हो जाए, आप यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें आपको कर सकते हो कि टाइम के हिसाब से आप चाहते हो सुबह मॉर्निंग में बल्ब ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाए, तो यहाँ से आप एड शेड्यूल करके आप टाइम सेट कर सकते हो। बल्ब आप खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके खरीद सकते हो और देख सकते हो इसका लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है। ओके, और इस बल्ब में जो एक्स्ट्रा जो फायदा है, जैसे दूसरा कोई बल्ब में अगर आप फिलिप्स का ह्यू लेते हो तो उसके लिए अलग से आपको हाफ खरीदना पड़ता है, इसका प्राइस है अप्रोक्स 4 से 5 हज़ार। बट इसके लिए कोई हाफ नहीं खरीदना पड़ता है, आप बस मोबाइल पर इंस्टॉल करो और मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप गूगल असिस्टेंट के साथ काम नहीं कर सकते, इसके लिए अगर आपको गूगल के साथ कनेक्ट करना है गूगल होम के साथ तो आपको एक गूगल होम चाहिए या अमेजन एलेक्सा चाहिए। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों मैं ऐसा वीडियो लेकर आते रहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन में दिया हुआ हिंदी टेक गाइड लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।